लोग जो इस वक्त ट्रक के ऊपर मौजूद हैं और ट्रक बिल्कुल जो इस वक्त आवाम से लोटम लोट है, देखें किस तरीके से आवाम जो है जीराम चट्टी में आ गई है। अभी देखें वो बंदा उठा के भी वो मार रहा है, कद्दूवर जो है वो लेके जा रहा है 8-8 दस, कोई एक ले, किसी को एक नहीं मिल रहा, किसी कोई 10-10 ले आ रहा है, 10-10 ले जा रहा है, कुछ जान पहचान का भी चक्कर है। आटा बहुत दलील हो के बंदे को आटा मिल रहा है। अच्छा, पैसे देने के बावजूद भी आप लोग दलील हो रहे हैं, इतने बंदे आवाम भाग रहे हैं, फिर भाई आटा लेने आए मजदूर लोग हैं, सुबह आदमी निकल जाते हैं, हम लेडीज आई हैं तो आटा ही नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं कोरंगी के साइट पर मौजूद हूँ, कोरंगी इंडस्ट्रेरिया वाले रोड पर हूँ और यहाँ पर आप देखें काफ़ी बड़ी तादाद में आपको रश नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई सियासी तंजीम के दफ्तरों के बाहर कोई मुजाहरा नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देखें सामने जो इतनी बड़ी तादाद जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर जो है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से यहाँ पर एक ट्रक के अंदर आटा दिया जा रहा है, जो सिर्फ 650 रुपए का 10 किलो का कट्टा यहाँ पर तमाम लोगों को फराहम किया जा रहा है। आवाम की एक बड़ी यहाँ पर रश है, आवाम का बड़ा हजूम यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आटा जो है वैसे ही 1500 रुपये का 10 किलो का थैला हो चुका है। दिन पर दिन आटे के रेट जो है वो इजाफी ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का जो ये काफ़ी अच्छा फैसला है जो जिस पर 650 रुपए का जो आटे देने का जो सिलसिला है 10 किलो का, वो यहाँ पर अभी इस वक्त दिया जा रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद है। इसके अंदर आप देखें कोई आटा ऐसी भी ले जा रहा है, कोई यहाँ पर लूटामारी भी मचाई हुई है, क्योंकि देखें शोर भी आपको नज़र आ रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी आपको शोर की भी, और लोगों ने यहाँ पर लूटामारी मचाई हुई है, यानी कि लोग बगैर पैसे दिए भी लेके जा रहे हैं, किसी को मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है तो 4-4, 5-5 मिल रहा है, या तो फिर किसी को भी नहीं मिल रहा। अब देखें आप यहाँ से जो है ट्रक को जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है और यहाँ पर देखें अभी इस वक्त जो है इतना रश है कि इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आटे की इस वक्त क्या डिमांड है। और देखें लोग जो इस वक्त ट्रक के ऊपर मौजूद हैं और ट्रक बिल्कुल जो इस वक्त आवाम से लोटम लोट है, देखें किस तरीके से आवाम जो है जीराम चट्टी में आ गई है। अभी देखें वो बंदा उठा के भी वो मार रहा है और लोगों को नीचे उतार रहा है, लेकिन ये ट्रक जो है यहाँ से जा रहा है। सुनने में ये आया कि तकरीबन ये तीसरा ट्रक है और देखें अभी लोगों ट्रक पर किस तरीके से चिपके हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखें लोग जो है ट्रक के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस वक्त आटा जो है कराची के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है नायाब हो चुका है, जिसके बाद इसी तरीके के मनाजिर तो हमें हर जगह नज़र आएंगे। सर क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप, आटे की वजह से सारे मामला, आप भी आटे के लिए आए हुए, आटा मिला आपको? नहीं मिला। सुनने में तो यार तीसरी गाड़ी है ये, तो तीसरी गाड़ी है, इतनी सारी रश है, इतनी आवाम है कि आटा ले नहीं सक रहे। अच्छा, आटा पूरा नहीं करता, ये सस्ता आटा सही होता है? आटा सही होता है, आटा सही होता है, सही है, ये सिंध गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, ये बिल्कुल अच्छा है, मगर कोई तरीकेकार नहीं है। अच्छा, कोई तरीकेकार नहीं है, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या कहती हैं आप आटे के ऊपर? क्या कहें, हमें तो जिल्लत दे रखी है इस आटे ने। अच्छा, वो खानदान इतना बड़ा, छोटे बच्चे ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी भी आटे की जो किल्लत होती जा रही है, आटा महंगा होता जा रहा है, आप यहाँ पे क्या आटा लेने के लिए आई थी? आटे के लिए आए थे, मिल गया आटा? नहीं, कोई आसरा ही नहीं है। ऐसे तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तीसरी गाड़ी है ये। हाँ, तीसरी खाली होके जा रही है, हम लोगों को कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, ताकतवर जो है वो लेके जा रहा है 8-8 दस, कोई एक ले, किसी को एक नहीं मिल रहा, किसी कोई 10-10 ले आ रहा है, 10-10 ले जा रहा है, कुछ जान पहचान का भी चक्कर है ना? अच्छा जी भाई, क्या कहेंगे आप? सुबह से खड़े आटा वाटा कुछ भी नहीं मिले। कितने टाइम से खड़े हैं आप? 11 बजे से खड़े हैं। 11 बजे से खड़े, तो अभी तक ये तो तीसरी गाड़ी है सिंध गवर्नमेंट की, तीसरी गाड़ी खाली हो गई, चौथी गाड़ी ऐसी ले गई, छोटी गाड़ी ऐसी ले गए, दिए नहीं उन्होंने आटा, जीतने को कोई। अच्छा, ऐसे क्या रेट है इस आटे के? 650 रुपए वही लेते हैं, 650 रुपए ये, कोई इजाफी चार्जेस तो नहीं लेते हैं? नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये आटा सही है, सिंध गवर्नमेंट का फैसला तो अच्छा है, तरीकेकार सही है देने का? तरीकेकार सही नहीं है, तरीकेकार सही नहीं है ना ये देने का, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम होने चाहिए, और इस तरीके से ये इलाका वैसे कोरंगी का है। ठीक है ठीक है भाई, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे यार, आटा बहुत दलील हो के बंदे को आटा मिल रहा है। अच्छा,
पैसे देने के बावजूद भी आप लोग दलील हो रहे हैं। कितने बंदे आवाम भाग रहे हैं फिर भी आटे नहीं मिल रहे आवाम को। हाँ मैंने देखा अभी गाड़ियों के पीछे आवाम जो है भाग रही है। कब से आए मैं आप? हम तो सुबह 11 बजे से आए अभी तक नहीं मिला। लोगों के पास तो 10-10 आटे की थैली है। लोगों को दे रहे हैं पता नहीं कैसे दे रहे हैं, हिसाब से नहीं दे रहे एक एक बोरी आप। अच्छा यानी कि जो बंदा जितने ले जाए पैसे दे और ले ले, एक ले या 10 ले कोई मसला नहीं, कोई असूल नहीं है, लाइन से दे दे वो असूल नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। इस वक्त देखें आप, इस वक्त जो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम अम्मा यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगी आप अभी इस वक्त क्या करने के लिए यहाँ पर आई हैं? भाई आटा लेने आए मजदूर लोग हैं, सुबह आदमी निकल जाते हैं, हम लेडीज आई हैं तो आटा ही नहीं मिल रहा। अच्छा क्या कहेंगी, ये किस तरीके से फराम किया जा रहा है आटे यहाँ पे, क्या सिलसिला है? जो आदमी ऊपर चढ़ जाते हैं वो उठा लेते हैं कट्टे, जो पीछे नीचे खड़े होते हैं उनको मिलता है। यानी लेडीज के देखा जाए तो लेडीज को कोई वो सहूलियत नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। तो सिंध गवर्नमेंट से मेरी अपील भी है कि लिहाजा वो ये सब चीज़ें देखें और जल्द से जल्द यहाँ पर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम करें। यहाँ पर जो है ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो सिंध गवर्नमेंट के साथ वैसे भी अच्छा इकदाम है ये आवाम के लिए, लेकिन देने के जो सूरत हाल है वो जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और किसी को एक आटा मिल रहा है तो किसी को एक भी नहीं मिल रहा, किसी को 10-10 मिल रहा है। तो इस वक्त ये कोरंगी की साइट पर मैं मौजूद हूँ, सिर्फ बिल्कुल सामने बिलाल चौरंगी है और बिलाल चौरंगी के साथ ही ये म्यूनसिपल पार्क का जो म्यूनसिपल का ऑफिस है यहाँ पर आप देखें सामने ही, और यहीं पर जो है आटा फरोख्त किया जा रहा है। बहरहाल मज़ीद भी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।